हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप ना रिकवर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन की डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप ना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मोबाइल फोन की गैलरी को मैंने ओपन किया है। मोबाइल फोन की गैलरी में देखिए, सबसे ऊपर यहां पर ये एक फोटो है, इस फोटो को बड़ा करके दिखा देता हूं। इस फोटो को आप ध्यान से देख लीजिए। इस फोटो को पहले मैं डिलीट करूंगा, इसके बाद मैं इस फोटो को आपको रिकवर करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस फोटो को मैं यहां से जो है इसे डिलीट कर देता हूं। पहले तो डिलीट पे टैप किया, अब इसे मूव टू ट्रैश कर देता हूं। तो देखिए, फोटो यहां से जो है ये डिलीट हो चुका है। अब इस फोटो को रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके फोन की गैलरी में है ना, ये नीचे की साइड चौथे नंबर पे लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है, इसे आपको टैप करना है। यहां पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर चौथे नंबर पर ऑप्शन मिलता है ट्रैश का, ट्रैश पे टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज आएगा, ठीक है। ट्रैश का पेज एक तरीके से डिलीट वाला पेज होता है। आप अपने फोन की गैलरी में जितने भी फोटो वीडियो आप डिलीट करते ना, वो सारी यहां पर जमा हो जाती है, ठीक है। तो आपको देखिए, ये फोटो जो मैंने डिलीट करती है, फोटो यहां पर भी है। तो इस फोटो को रिकवर करने के लिए आपको ना इस फोटो को बड़ा करना है, और यहां पर आपको रिस्टोर का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका ये फोटो जो है रिकवर हो जाएगा और आपके फोन की गैलरी में वापस चला जाएगा। एक दूसरा तरीका होता है, देखिए, अगर आप इस फोटो को उंगली से दबा के रखेंगे तो ये राइट टिक लग जाएगा, और इस तरीके से आप जो है और भी फोटोज अगर यहां पर डिलीट कर रखें तो उनको भी आप सिलेक्ट करके एक साथ काफी सारी फोटो को आप जो है रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, नीचे की साइड रिस्टोर का ऑप्शन टैप करना है, इसके बाद दोबारा से रिस्टोर पर टैप करना है। आपका फोटो रिकवर हो जाएगा, आपके फोन की गैलरी में वापस चला जाएगा। हम यहां पर चेक कर लेते हैं हमारा फोटो रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये फोन की गैलरी में फोटो जो है रिकवर हो चुका है और अपनी जगह पर वापस आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है कि आप डिलीट करने के बाद ना कितने दिनों के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, लिमिट होती है। मैं आपको समझाता हूं लिमिट कितने दिन की होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ट्रैश वाले पेज में आना है। ट्रैश वाले पेज में देखिए नीचे लिखा हुआ है, आइटम विल बी परमानेंट डिलीट आफ्टर 60 डेज इन ट्रैश, ठीक है। तो यानी कि आप अगर जिस डेट को आप डिलीट करेंगे ना कोई भी फोटो, तो उसके आने वाले 60 दिनों तक यहाँ पे पड़ी रहेगी फोटो, और 60 दिनों के अंदर आप जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर 60 दिनों के अंदर रिकवर नहीं किया तो 60 दिन के बाद जो है यहाँ से भी आपका जो है ना फोटो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक परमानेंट, ठीक है, जिसे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, 60 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लगभग 2 महीने होते हैं। तो आप इसे जो है ना 60 दिनों के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिट मैंने आपको समझा दी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है।